आज के वीडियो में मैं कुछ वर्ड्स शेयर करूंगी उसके मीनिंग के साथ, देन मैं बताऊंगी कि उसमें प्रीफिक्स ऐड करने से कैसे नया मीनिंगफुल वर्ड तैयार होता है। देन लेट्स गेट स्टार्टेड, बट बिफोर देन एज यूजुअल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हेलो, माय नेम इज सुब्रश्मी गोस्वामी एंड वेलकम टू माई चैनल इंटीमेट व्यू पॉइंट। पहला वर्ड है सर्टेन, यानी कुछ या थोड़ा या निश्चित। उसमें अन प्रीफिक्स ऐड करके बन गया अनसर्टेन, यानी अपरिवर्तनशील। सेकेंड है कंटिन्यू, जिसका मीनिंग होता है जारी रखना। उसके और भी कुछ मीनिंग निकलते हैं, बट यहाँ मैंने जारी रखना ही लिखा है। उसमें डिस प्रीफिक्स ऐड करके और ये बन गया डिसकंटिन्यू, यानी बंद करना या सिलसिला तोड़ देना। थर्ड है सेंसिटिव, यानी संवेदनशील या भावुक। उसमें इन प्रीफिक्स ऐड करके ये बन गया इनसेंसिटिव, जिसका मीनिंग निकलता है असंवेदनशील। नंबर फोर में है लॉजिकल, जिसका मीनिंग निकलता है तर्कसंगत। इसका सिनोनिम होता है रिलेवेंट भी कह सकते हैं। इसमें इल प्रीफिक्स ऐड करके ये बन गया इलॉजिकल, जिसका मीनिंग होता है विसंगत या इररिलेवेंट। फिफ्थ में है श्योर, यानी जरूर। इसमें अनप्रीफिक्स ऐड करके ये बन गया अनश्योर, यानी अनिश्चित। अब सिक्स नंबर में है अप्रूव, यानी मंजूर। इसमें डिस प्रीफिक्स ऐड करके ये बन गया डिसअप्रूव, यानी अस्वीकार करना या नामंजूर करना। सोशल, सेवन में है सोशल, जिसका मीनिंग होता है सामाजिक। इसमें अनप्रीफिक्स ऐड करके ये बन गया अनसोशल। अनसोशल का मीनिंग असामाजिक नहीं होता, क्योंकि असामाजिक का मीनिंग कुछ और ही होता है। इसका एक्चुअल मीनिंग निकलता है अमिलनसार, यानी कि जो किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करता। नंबर एट में है नेचुरल, यानी प्राकृतिक। इसमें अनप्रीफिक्स ऐड करके ये बन जाता है अननेचुरल, यानी अप्राकृतिक। एडवांटेज, जिसका मीनिंग होता है फायदा, और इसमें डिस प्रीफिक्स ऐड करके ये बन जाता है डिसएडवांटेज, यानी हानि या नुकसान। टेन में है कंफर्ट, यानी आराम। इसमें डिस प्रीफिक्स ऐड करके ये बन जाता है डिसकंफर्ट, यानी बेचैनी या असहजता। तो फिर कैसा लगा आज का वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।